नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कुंभ लगन के लिए राहु का जो गोचर में परिवर्तन होगा सितंबर 2020 में, उसकी चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को लगन के अनुसार देखिए। वैसे आप राशि के अनुसार भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, तो आप राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। वैसे हम आपको लगन के अनुसार ही इस वीडियो को देखने के लिए बोलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर राहु का जो गोचर है ये सितंबर 2020 से वृषभ राशि में शुरू होगा, और इसके लिए जो है काफ़ी सारे यहाँ पर चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में राहु का गोचर स्टार्ट होगा। फिलहाल आपके फिफ्थ हाउस में राहु का गोचर हो रहा है, और राहु यहाँ अपनी उच्च राशि के हैं। तो जब आपके फोर्थ हाउस में होगा तो फोर्थ हाउस में ये इनकी राशि आती है, वृषभ राशि आती है, और वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। शुक्र जो कि राहु के परम मित्र हैं, तो यहाँ पर जो राशि है उसमें तो ये इनकी मित्र राशि है, लेकिन जो भाव आपके लिए है वो फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस में राहु इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, हालांकि मित्र राशि के होने के कारण थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर होंगे, लेकिन उतना अच्छा राहु फोर्थ में रिजल्ट नहीं देते। तो यहाँ पर देखिए, जब राहु आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले आप अपने लगन चार्ट में राहु की जो प्लेसमेंट है उसको चेक करें, और उसके बाद आपको ज़्यादा पता लगेगा कि इस गोचर के रिजल्ट आपको कितने अच्छे और बुरे मिल सकते हैं। तो अगर आपके लगन चार्ट में राहु की पोजिशन बहुत ही ज़्यादा खराब है तो आपको इसमें इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अगर आपके राहु बहुत अच्छे हैं, अगर आपके राहु थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में, या फिर आपके राहु नाइन्थ, टेंथ या इलेवंथ में, यानी विशेष रूप से टेंथ और इलेवंथ में राहु अच्छे माने जाते हैं, नाइन्थ में भी हम इतने अच्छे नहीं कह सकते। तो अगर आपकी ये प्लेसमेंट है राहु की, तो फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं राहु। अब देखिए, हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में राहु का जो गोचर है वो अगर आपको खराब रिजल्ट देते हैं यहाँ पर, तो आपकी माता का जो स्वास्थ्य वो खराब रह सकता है, आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, आपको अपनी जॉब को लेकर घर से दूर रहना पड़ सकता है, या आपको विदेश में भी जाना पड़ सकता है। हालांकि आपको अपने खुद के घर से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा, आपका जो पर्सनल घर है जिसको आपने बनाया उससे आपको काफ़ी लगाव रहेगा, आप घर को छोड़ना नहीं चाहेंगे। पर फिर भी राहु का जो ये गोचर है उसके वजह से आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। जिन लोगों के राहु की महादशा चल रही है उनको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगे, साथ ही साथ जिन लोगों के अंतर्दशा भी चल रही है अगर राहु की, तो उनको भी यहाँ पर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट राहु के मिलने वाले हैं। और राहु जैसा प्लैनेट है वो अपने रिजल्ट अवश्य देता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो यहाँ पर राहु की प्रवृत्ति एक राक्षस के समान होती है, और राक्षसी प्रवृत्ति के कारण इनमें कुछ राक्षसी गुण आ जाते हैं, जिस वजह से ये इतने अच्छे नहीं माने जाते। वैसे अगर राहु अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं तो इनसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट कोई और दे भी नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसी भाव के बारे में ही बात कर रहे थे, और ये सुख भाव में आपके वर्दी जरूर करते हैं, लेकिन आपको घर से दूर जरूर जाना पड़ सकता है। जिनके राहु की महादशा चल रही हो और अन्य ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, विदेश योग अगर बन रहा है तो आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है, या फिर आपको घर से बहुत दूर कहीं आपकी जॉब लगेगी और वहाँ भी आपको ये जॉब से संतुष्टि नहीं देंगे। इस गोचर के दौरान आप काफ़ी बार अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, अपने बॉस के साथ आपके रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो घर का सुख है, जो आपका सुख भाव है, उसमें कहीं ना कहीं राहु कमी जरूर करेंगे, और घर में थोड़ा सा जो माहौल है वो अच्छा नहीं रहता फोर्थ हाउस के जब राहु होते हैं तो। अगर आपके लगन चार्ट में ऑलरेडी राहु फोर्थ हाउस में है तब तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो गोचर है वो नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि जॉब के लिए ठीक रहेगा, लेकिन जॉब को भी आपको बार बार चेंज करना होगा, आप एक जॉब में बहुत दिन तक संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप ज़्यादा धन के जो है धन की इच्छा ज़्यादा रखेंगे, जिससे आपको बार बार आप अपना जॉब चेंज करते रहेंगे। अब यहाँ से राहु का जो एस्पेक्ट पड़ता है वो आपके
एट हाउस पे पड़ता है। एट हाउस पर राहु का जो एस्पेक्ट है, अगर यहाँ पर आपके राहु अच्छे हुए लगन चार्ट में तो इतना ख़राब रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पर एस्पेक्ट होने से आपको कमर के निचले जो हिस्से हैं जंघा तक, वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, साथ ही साथ कोई एक्सीडेंट का चांसेस भी आपका बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या ऐसे कोई फील्ड से जुड़े हैं या आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं तो आपको काफ़ी लाभ भी दे सकते हैं। ससुराल पक्ष से ये थोड़ा रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अचानक कुछ धन लाभ भी करा सकते हैं अगर आपके राहु बहुत अच्छे हैं तो। उसके बाद इनका जो अगला एस्पेक्ट रहेगा वो टेंथ हाउस पर रहेगा। टेंथ हाउस पर जैसा कि मैंने बोला, ये आपकी जॉब को बार बार चेंज करवाते रहेंगे, आपको घर से दूर, बहुत दूर जॉब मिलेगी और जो आपको सैलरी मिलेगी उससे आप ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। साथ ही साथ राहु का जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके 12वें भाव पर रहेगा। 12वें भाव पर एस्पेक्ट रहने से आपका विदेश योग बन सकता है। अगर आप किसी तंत्र मंत्र जैसी साधना करना चाहते हैं तो उस साधना में भी आप जो है काफ़ी अपना जो समय देकर और मेहनत करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। किसी और प्रकार की कोई संस्था से जुड़ना चाहते हैं, किसी ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं और उससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राहु जो है बेड प्लेजर यानी बिस्तर का जो सुख है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी जरूर करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये गोचर देखना होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई अपना ट्रस्ट स्थापित करना चाहते हैं या आप वैराग्य धारण करना चाहते हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं, विशेषकर जॉब को लेकर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप विचार कर सकते हैं। यहाँ से राहु आपको ठीक रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ देखिए ये सुख भाव में गोचर हो रहा है और शुक्र की राशि है यानी वृषभ राशि, तो जो शुक्र हैं वो भी भोग विलास के लिए जाने जाते हैं और धन वैभव सुखों के लिए जाने जाते हैं। तो आपको विलासितापूर्ण जो ज़िंदगी है उसमें सुख सारे मिलेंगे लेकिन आपको जो है संतुष्टि ज़्यादा नहीं रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये जॉब से भी संतुष्टि नहीं देंगे। अगर आप किसी इंटरनेट जैसे फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप पत्रकारिता से जुड़े हैं तो आपको कुछ लाभ दे सकते हैं, यानी राहु के जो फील्ड हैं टेक्निकल फील्ड से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको काफ़ी लाभ ये दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके लगन चार्ट में आपको देखना होगा कि राहु की जो दृष्टि है वो किन किन ग्रहों के ऊपर है और राहु पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ कौन सा किसी भाव में प्लैनेट कौन सा है, उस हिसाब से भी आपको राहु यहाँ रिजल्ट देंगे। अगर आपको राहु की अंतरदशा या महादशा चल रही है तो बहुत अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा, यानी रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और आपने अगर राहु का कोई जो है किसी भी प्रकार का राहु का अगर गोमेद आपने कितने भी रत्ती का धारण कर रखा है तो उस वजह से भी आपको बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से राहु आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं तो ये आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, साथ ही साथ आपको काफ़ी ज़्यादा ये लाभ दे सकते हैं, विशेषकर जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ये यहाँ से लाभ देंगे। राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनको ये अचानक राजनीतिक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा पद या नेम फेम दिला सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब में आपकी जो सहकर्मी हैं जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे, आपके बॉस के साथ भी आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। राहु की दृष्टि टेंथ हाउस पर होने से ये आपको काफ़ी ज़्यादा धन की लालसा भी रखेंगे और आपको धन प्राप्त भी होगा लेकिन उसमें आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। और देखिए राहु जब फोर्थ में होंगे तो केतु आपके टेंथ हाउस में होंगे और केतु ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी संतुष्टि प्रदान नहीं करते। जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति को एक प्यास देते हैं, एक थ्रस्ट देते हैं, तो आपको आपके जो प्रोफेशनल करियर है उसमें बहुत बड़ा पद प्राप्त करने की एक बहुत इच्छा रहेगी और आपको धन की भी बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। आपको जो भी सैलरी मिलेगी उससे आपको संतुष्टि ज़्यादा नहीं होगी, साथ ही साथ थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन भी होगा। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके बॉस के साथ आपका जो रिलेशन रहेगा उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन होगा।
साथ ही साथ आपके बॉस का व्यवहार भी थोड़ा सा आपके प्रति खराब रह सकता है। तो यहाँ देखिए, राहु अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो आप जो रिजल्ट इस समय आपको राहु के इस ट्रांजिट के मिलेंगे वो थोड़े नेगेटिव रह सकते हैं और कुछ बहुत अच्छे भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके राहु की प्लेसमेंट बहुत ही खराब है तो इस गोचर के दौरान आपको बहुत असंतुष्टि मिलने वाली है। हालांकि थोड़ा लाभ इसलिए देंगे क्योंकि ये अपने मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र की राशि वृषभ में, इस वजह से। और ये राहु आपको सितंबर 2020 से लेकर अगले 18 माह तक इसी प्रकार के रिजल्ट देते रहेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे इस प्रकार की जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।